Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is a special class for TGT English. Now let's start the class. We were discussing about terms, forms and moment. And this is the second series of questions related to this topic. Now, question number 51. Romantic movement had its antecedents in. रोमांटिक मूवमेंट के एंटीसीडेंट्स कब से थे, किस में थे? द पोएट्री ऑफ चौसर, शेक्सपियरियन कॉमेडी, द 15th सेंचुरी बैलेट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है द 15th सेंचुरी बैलेट, यानी कि जो रोमांटिक मूवमेंट था वो उसके जो एंटीसीडेंट्स थे वो 15th सेंचुरी के बैलेट में थे, यानी 15th सेंचुरी में जो बैलेट लिखे जा रहे थे वहीं से स्टार्ट थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन एंड एंजॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ आस्किंग एंड आंसरिंग रेशनल क्वेश्चंस अबाउट लिटरेचर। क्रिटिसिज्म एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन, एंजॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ आस्किंग एंड आंसरिंग रेशनल क्वेश्चंस अबाउट लिटरेचर। हु सेड दिस? तो ये क्रिटिसिज्म की एक डेफिनेशन है जो कि एबरक्रॉम्बी ने दी थी। एबरक्रॉम्बी ने ये डिफाइन किया था क्रिटिसिज्म को इन वर्ड्स में। तो हम लोग क्रिटिसिज्म की एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एबरक्रॉम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ आइडियाज गेव बर्थ टू। देखो, कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब होता है कंसेप्ट देना आइडियाज को, यानी आइडियाज तो है, आइडिया तो है, लेकिन उनको एक कंसेप्ट का रूप देना, आइडिया को एक कंसेप्ट का रूप देना, दैट्स कॉल्ड कंसेप्चुलाइजेशन। तो कंसेप्चुलाइजेशन ने किस चीज को जन्म दिया, यानी कंसेप्चुलाइजेशन के बाद या के थ्रू किस चीज का जन्म हुआ? एंड द आंसर इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का जन्म कहां से हुआ है? कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ आइडिया से। सबसे पहले आइडियाज को कंसेप्चुलाइज किया जाता था, फिर धीरे से क्रिटिसिज्म बना, यानी कि क्रिटिसिज्म। Who was a tutor to young Alexander the Great? ठीक है, young Alexander the Great। तो आप सभी को पता है Aristotle is the right answer। Aristotle was a tutor to young Alexander the Great। Next question है, according to Aristotle, tragedy has three external elements: spectacle, lyrical song एंड। यानी अरस्तु की के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी के तीन एक्सटर्नल एलिमेंट होते हैं। इंटरनल अलग हैं, एक्सटर्नल अलग हैं। ठीक है, अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी के तीन एक्सटर्नल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो दो इन्होंने लिखे हुए हैं क्वेश्चंस में ही। क्वेश्चन में स्पेक्टिकल है और लिरिकल सॉन्ग है, एंड द थर्ड इज डिक्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया वन, लिरिकल सॉन्ग हो गया आपका टू, और डिक्शन आपका हो गया थ्री। ठीक है, तो ये तीन आप नोट कर सकते हैं, अपने अपने जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी हैज थ्री एक्सटर्नल एलिमेंट्स, नंबर वन स्पेक्टिकल, नंबर टू लिरिकल सॉन्ग एंड नंबर थ्री डिक्शन। अ कोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ राइटिंग, दैट्स कॉल्ड एपिलॉग, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रोलॉग प्रारंभ में आता है, प्रोलॉग, एक मिनट, प्रो से आप याद रखेंगे, सॉरी एक मिनट मैं इसको रफ कर देती हूं। देखिए, जब एपिलॉग पढ़ेंगे आप तो ई याद रखेंगे और प्रो से आप प्रारंभ याद रखेंगे। ठीक है, प्रो से क्या याद रखेंगे? प्रो से प्रारंभ याद रखेंगे, ठीक, एपी से एंड याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी गलती से मैंने बता दिया था, ये याद करने का तरीका है, इसे आप भूलेंगे नहीं। इस एपी से एंडिंग याद रखेंगे और प्रो से आप याद रखेंगे प्रारंभ। तो आपसे पूछा गया है कहाँ का? एट द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब शुरुआत का, तो ये हो गया आपका प्रोलॉग। ठीक है, नेक्स्ट, अ सॉन्ग और पोएम इन ऑनर एंड ओकेजन
ऑन अकेजन ऑफ मैरिज इज कार्ड, यानी कि ऐसा सॉन्ग, ऐसी पोयम जो ऑनर में गाते थे किसी शादी के ओकेजन पर, विवाह के ओकेजन पे, तो उसको कहते थे इपिथैलेमियम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, आई थिंक अभी तक आप लोग को लर्न भी हो गया होगा। इपिथैलेमियम इज द राइट आंसर हियर। फ्री वर्स हैज अनदर नेम, फ्री वर्स का दूसरा नाम क्या है? तो बताया था फ्री वर्स क्या होता है, जहां पे हमें लिबर्टी होती है पोएट को, और उसको कहते हैं फ्री वर्स के साथ साथ उसका दूसरा नाम है वर्स लाइबर। लाइबर आप लिबर्टी याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा फ्री वर्स या वर्स लाइबर। एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज कॉल्ड, जब हमारे जजमेंट में कोई त्रुटि आ जाती है, किस वजह से? इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से, या किसी सडन वीकनेस की वजह से, यानी वहां पर कुछ और होता है और हम उसको कुछ और समझ बैठते हैं, ऐसी हमारी जजमेंट जो होते हैं हमारे वो गलत हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, उसको कहते हैं हेमर्शिया, ठीक है, इसको हेमर्शिया कहते हैं। ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल एरर भी है, इंटेलेक्चुअल एरर भी है, इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ देम इज एन इंटेलेक्चुअल एरर, इनमें से कौन सी इंटेलेक्चुअल एरर है, तो हमेशा याद रखना कि हेमर्शिया ही इंटेलेक्चुअल एरर होती है। इंटेलेक्चुअल एरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बौद्धिक आधार पर या बौद्धिक स्तर पर ये त्रुटि होती है। नेक्स्ट, हु रिफ्लेक्टेड द ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो इसका आंसर बहुत आसान है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी कि आर ब्राउनिंग इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर द टू ग्रेट क्लासिक्स ऑफ आवर प्रोज अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, यानी मैथ्यू और आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो कौन है जो दो ग्रेट क्लासिक्स है ऑफ आवर प्रोज, यानी कि जिनको प्रोज का क्लासिक्स कहा जाता है। सोचिए इतनी बड़ी इन्हें उपाधि दे दी है भाई, तो ये कोई बहुत ही फेमस ऑथर होंगे, और ये हैं आपके ड्राइडन एंड पो, ठीक है, इनका पूरा नाम है जॉन ड्राइडन और इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर पो, ये क्लासिक्स ऑफ अवर प्रोज कहलाते हैं, इनको ऐसा बोला था आर्नोल्ड ने। द मोस्ट इंप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैज बीन गिवन बाय, बहुत ही इंप्रेसिव ट्रीटमेंट इमेजिनेशन को दिया है, किसने दिया है, कॉलरिज ने, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में इन्होंने काम किया है, और लिरिकल बैलेट्स इन दोनों की साथ ही पब्लिश हुई थी, जिसमें इन्होंने 19, विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम लिखी थी और 4 पोएम कॉलरिज ने लिखी थी, तो ये वही कॉलरिज है, इन्होंने इमेजिनेशन को बहुत इंप्रेसिवली ट्रीट किया है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं कुछ नॉवेल्स के, इन नॉवेल्स में से कौन सा नॉवेल है जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से एसोसिएट करता है, तो मैं आपको बता दूं कि हम याद, अगर आप भूल भी रहे हैं तो याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का आप मीनिंग याद रखिए। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मीनिंग हमने क्या आपको बताया था, ये बेटू में होता है, मतलब कि फॉर द सन यानी सन के लिए होता है, सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर हिज मदर, अपनी मदर के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की जब बात आएगी, इलेक्ट्रा, सिगमंड फ्रायड ने ये दोनों कॉम्प्लेक्स बताए थे, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात आएगी तो यहाँ पे हो जाता है कि डॉटर्स लव फॉर हर फादर, या यहाँ पे लव नहीं बल्कि सेक्सुअल लव फॉर हर फादर, तो इलेक्ट्रा गर्ल्स के लिए हो गया और ऑडिपस बॉयज के लिए हो गया, तो बॉयज के लिए हो गया ना, तो अब देखेंगे यहाँ पे बॉयज से हम याद रखेंगे सन्स, यानी बेटे का सन्स, तो हमें याद आ जाएगा कि कुछ सन और लवर करके जो नॉवेल था उसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का वर्णन है, कहीं ना कहीं दर्शाया गया है, तो हमें याद रखने के लिए ऐसा हमने सिर्फ बोला है, ठीक है, आप ना भूलें सिर्फ इसलिए बताया है, आप याद रखेंगे ओडिपस कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ा हुआ था, सन्स एंड लवर्स से, ठीक है। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ कैथर्सिस इज एसोसिएटेड विद, थ्योरी ऑफ कैथर्सिस किससे जुड़ी हुई है, वेरी सिंपल आंसर, एरिस्टोटल। नेक्स्ट, Which one of the following is not a part of the proverbial three unities? इसको proverbial क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक proverb बन गई है, three unities. Three, पूछते हैं ना कौन कौन सी तीन unity है भाई,
थ्री यूनिटीज, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। तो आप सब जानते हैं कौन कौन सी वो है, टाइम की होती है, प्लेस की होती है और एक्शन की होती है। तो कौन सी बची जो नहीं होगी, पर्पस की नहीं होगी, ठीक है। तो राइट आंसर कौन हो गया यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। इन विच कंट्री वॉज रोमांटिसिज्म एसोसिएटेड विद एन इनोवेटरी एस्थेटिक क्रीड। कौन सी कंट्री की बात है भाई यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी कंट्री में, तो आपने जब पढ़ा था ये एज पढ़ा था तभी आपको बताया गया था कि फ्रांस की बात है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस इज राइट हियर। हेरोल्ड ब्लूम इज अ लीडिंग मेंबर ऑफ सो कॉल्ड, किसके लीडिंग मेंबर थे भाई, हेरोल्ड ब्लूम, येल स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, येल स्कूल ऑफ, अब आप इसको नोट कर लेंगे, जो येल स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये है हेरोल्ड ब्लूम से जुड़ा हुआ, ये आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्रॉडियन कॉन्टेक्स्ट कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद, फ्रॉडियन कॉन्टेक्स्ट, ये फ्रॉडियन क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रायड, ठीक है, एस आई जी एम यू एन डी एफ आर ई यू डी फ्रायड, सिगमंड फ्रायड जो है वो एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट है और इनकी थ्योरी जो थी इसलिए लिखा है इन द फ्रॉडियन कॉन्टेक्स्ट कॉन्शियसनेस। इन्होंने माइंड के तीन लेवल बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, कॉन्सियस, सब कॉन्सियस एंड अनकॉन्सियस। तो कॉन्सियसनेस किससे जुड़ी हुई है ये मैंने आपको पूरा इसलिए बताया, अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड नो दैट। इन द फ्रॉडियन कॉन्टेक्स्ट कॉन्सियसनेस इज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी, यानी व्यक्ति क्या परसीव करता है, कैसा सोचता है, कैसा समझता है रियलिटी के बारे में, ये आपका इसी से जुड़ा हुआ है कॉन्सियसनेस, कि वो किस स्तर से चीजों को महसूस करता है। तो इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब टाइटल ऑफ कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की का सब टाइटल क्या है, एन एसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म, ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे लर्न करेंगे, ठीक है। Who used the term high disdain? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन ने इस टर्म का यूज किया था, इसलिए भी क्योंकि जॉन मिल्टन आपके सिलेबस में है, आपको इन्हें थॉरली पढ़ना है, तो इस टर्म को भी मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, हाई डिस्डेन किस, ये टर्म किसने यूज किया था, तो जॉन मिल्टन ने यूज किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा, लैंग्वेज में भी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स, लैंग्वेज को डिफाइन किया जा सकता है एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड, हेनरी स्वीट, ये डेफिनेशन है लैंग्वेज की अकॉर्डिंग टू हेनरी स्वीट। टेट्रामीटर कंप्राइजेस अ लाइन विथ, टेट्रामीटर कंप्राइजेस अ लाइन, यानी टेट्रामीटर में एक लाइन होती है विद थ्री लैम्प्स, टू लैम्प्स, फाइव लैम्प्स, फोर लैम्प्स, तो टेट्रामीटर में फोर लैम्प्स होते हैं, ठीक है। इन विच डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी डिड द ग्रुप ऑफ द नॉवलिस्ट कॉमनली नोन एज एंग्री यंग मैन, कौन सी डिकेड में, 20th सेंचुरी की कौन सी डिकेड में एक ग्रुप ऑफ नॉवलिस्ट था, यानी कि नॉवलिस्ट का एक ग्रुप था उसको कॉमनली एंग्री यंग मैन कहा जाता था, तो वो कौन सी डिकेड की बात है, 20th सेंचुरी की कौन सी डिकेड में एक ग्रुप था जिसको एंग्री यंग मैन कहा जाता था, और ये ग्रुप किसका था, ग्रुप ऑफ द नॉवलिस्ट था, ठीक है। तो 50s की सेंचुरी की बात है, किसकी बात है, ये 50s की सेंचुरी की बात है। विच एज इज जनरली कॉल्ड
द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेडली पूछा जाता है आपसे, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसे कहते हैं. 18th सेंचुरी को बोलते हैं. लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ, इट डज नॉट कॉपी. लिटरेचर हमेशा एंटिसिपेट करता है लाइफ को, ये कॉपी नहीं करता है, बट मोड्स इट टू इट्स पर्पस, लेकिन इसको इसके पर्पस की तरफ मोड़ता है. वो सेड बाय ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ. अगर आप पूरी डेफिनेशन नहीं लर्न कर सकते हैं, आप सिर्फ यहां से लेके यहां तक लर्न कर लीजिए. लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ, बस, बाय ऑस्कर वाइल्ड. लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ बाय ऑस्कर वाइल्ड. डेफिनेशन कभी भी इट डज नॉट कॉपी से स्टार्ट नहीं होगी, जब भी एग्जाम में आएगी कंप्लीट आएगी, स्टार्टिंग से आएगी, और ये इतनी लाइन तो जरूर होगी, आगे की भी हो सकती है या हाफ भी पूछ सकते हैं, बट इतना को हटा के क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा. तो अगर आपको इतना याद है लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ बाय ऑस्कर वाइल्ड, अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वाइल्ड, तो आपका आंसर सही होगा. What did the pre-Raphaelites aim at? Pre-Raphaelites का क्या aim था? पहला option है showing interest in medievalism. Showing interest यानी कि medievalism में interest show करना. इसके बाद है pictorial realism with symbolic overtones. एक प्रकार का pictorial realism दिखाना symbolic overtones के माध्यम से, के साथ में union of the flesh and the spirit. फ्लैश एंड द स्पिरिट का मतलब आप बॉडी एंड सोल से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश का मतलब बॉडी से है, स्पिरिट का मतलब सोल से है. तो प्री रेफलाइट्स एम्ड एट ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें प्री रेफलाइट्स से जुड़ी हुई है. अकॉर्डिंग टू ड्राइडन कॉमेडी बिगेट्स, ड्राइडन ने कहा कि कॉमेडी क्या लाती है, मेलिसियस प्लेजर लाती है. According to Dryden, not according to me. इन्होंने कहा कि कॉमेडी में प्लेजर अच्छा वाला नहीं, malicious pleasure है, ठीक है. Next, who played a key role in the establishment of Yale School of Deconstruction? तो पहले तो ये याद रखेंगे कि येल स्कूल था. दूसरा, ये जो ये स्कूल था, ये आपका स्कूल ऑफ, इसे डीकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता था. और तीसरा, किसने की रोल निभाया था इसको एस्टेब्लिश करने में, जोफ्री हार्टमैन. ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये सही आंसर है आपका. एडवर्ड हर्बर्ट इज नोन टू बी द फादर ऑफ, एडवर्ड हर्बर्ट को किसका फादर कहा जाता है, डीजम का. नेक्स्ट, वट वॉज डॉक्टर जॉनसन ओपिनियन ऑन लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. डॉक्टर जॉनसन ने लैंग्वेज ऑफ पोइट्री को लेकर के क्या कहा था, क्या उनका ओपिनियन था? तो उनका ओपिनियन था इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द लर्नेड. उन्होंने कहा था जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है ना, वो किसी विद्वान की भाषा होती है. यानी प्रोज तो कोई भी लिख सकता है, बट पोइट्री की जो भाषा होती है वो कोई साधारण भाषा नहीं होती है. तो यानी जो कविता होती है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो लैंग्वेज ऑफ द लर्नेड है, यानी किसी विद्वान की भाषा है. देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हियर. हु इज बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर कौन कहलाते हैं? तो यहां पे सही आंसर है फर्डिनेंड डी सॉसर. ऑप्शन नंबर बी. Who wrote A History of English Prosody? ये एक बुक है बेटा जो कि A History of English Prosody, जो कि एक हिस्ट्री के रूप में लिखी गई थी, और इसके ऑथर का नाम पूछा गया है. इसके ऑथर है जॉर्ज एडवर्ड सेंट्सबरी. ऑप्शन नंबर बी. जॉर्ज एडवर्ड सेंट्सबरी ने यह बुक लिखी थी. Who among the following may be described as a naturalist? किसे नेचुरलिस्ट कहा जाता है भाई यहाँ पे? तो शाह, हक्सले और नोएल कोवर्ड. कोई भी इसमें से नेचुरलिस्ट नहीं है, सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज.
पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ पोप ने अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। देखो बेटा ये यहाँ पे जो ये लिखा लगा हुआ है ये गलत है, इसको यहीं पे लगा देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका एक में एसे ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो पोप का जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है ये शो करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ किसका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होरेस बोयलो एरिस्टोटल बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी कौन है, होरेस और बोयलो। तो ये जो पोप ने लिखा था एसे ऑन क्रिटिसिज्म इस पे होरेस का और बोयलो दोनों का इफेक्ट दिखाई देता है, सो आंसर इज डी। अब आप इसके नोट्स बनाने में बोथ ए एंड बी तो नहीं लिखेंगे, तो आप इसके नोट्स ऐसे बनाएंगे कि पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म आल शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ होरेस एंड बोयलो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वन मोस्ट कंसर्न्ड विद द कंसेप्ट ऑफ इम्पर्सनैलिटी, जो मोस्ट कंसर्न्ड है उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे एक चीज से कई लोग जुड़े होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे नेचर पोएट की बात आती है तो नेचर पोएट में वर्ड्सवर्थ की बात ही आती है और किसी की बात नहीं आती। आप बात को समझ रहे हैं, क्योंकि वो मोस्ट कंसर्न, ऐसा नहीं कि किसी और ने नेचर को लेकर के कभी नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है, लेकिन इतना नहीं लिखा जितना कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो इनको एक हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, ये मोस्ट कंसर्न पोएट है, मोस्ट कंसर्न पोएट, कंसर्न विद नेचुरलिज्म और नेचर। तो यहां पे पूछा गया है कि हु इज द वन मोस्ट कंसर्न विद द कंसेप्ट ऑफ इम्पर्सनैलिटी, कौन सा पोएट है जो इम्पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग अलग अलग पढ़ते थे कि ऑप्टिमिज्म से कौन जुड़ा है, पेसिमिज्म से कौन जुड़ा है, इमेजिनेशन से कौन जुड़ा है, विच क्राफ्ट किसने ज्यादा लिखी, सबकी अपनी अपनी की स्पेशलिटी होती है। तो इम्पर्सनैलिटी टीएस इलियट की एक विशेषता है, एक कंसेप्ट है जिन्होंने, जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो टीएस इलियट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, आप नोट्स बनाते समय लिख लेंगे बस टीएस इलियट और आगे लिखेंगे इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी। ठीक है, हु प्लेडेड फॉर हाई सीरियसनेस इन लिटरेचर, इन्होंने प्लीड किया था, मतलब एक प्लीड समझते हैं आप, प्लीड का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट करना, एक होता है कि मैं ये कह रही हूं कि ऐसा होना चाहिए और एक है कि मैं प्लीड कर रही हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो हु प्लीडेड फॉर हाई सीरियसनेस इन लिटरेचर, इनमें से एक ऐसे हैं, इन चार ऑप्शंस में से जो पसंद दिए हुए इनमें से कोई एक ऐसे हैं जो कहते थे कि लिटरेचर में, साहित्य में हाई सीरियसनेस होनी चाहिए, एंड ही इज नो अदर बट मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर ए। बेटे यहां पे स्पेलिंग गलत हो गई है, एम ए डबल टी होता है, ठीक, ये आपका टाइप करने की मिस्टेक है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना, इसको मैथ्यू पढ़ते हैं, एम ए डबल टी होता है, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट इज मेंट बाय द मॉडर्न मैग्ना कार्टा, ठीक है, तो सभी जानते हैं मॉडर्न मैग्ना कार्टा क्या था, आपका एक रिफॉर्म एक्ट था 1832 का, रिफॉर्म एक्ट। ऑस्कर वाइल्ड वॉज अ प्रोटागोनिस्ट ऑफ द, अब हम ऑस्कर वाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन सा मूवमेंट था जिसके ये प्रोटागोनिस्ट थे, तो ही वॉज अ प्रोटागोनिस्ट ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। आपने इनका नाम रोमांटिक मूवमेंट में पढ़ डाला, इतना सारा कभी नहीं पढ़ा इनका नाम, क्लासिकल में भी नहीं पढ़ा, एस्थेटिक मूवमेंट में इनका नाम आता है। तो आप लिखेंगे इनके बारे में थोरोली नहीं पढ़ना है आपको, ऑस्कर वाइल्ड वॉज अ प्रोटागोनिस्ट ऑफ द, या फिर लिख सकते हैं कि किससे रिलेटेड थे वो एस्थेटिक मूवमेंट से। पिनेरो, पिनेरो वॉज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ किसके थे, सोशल ड्रामा, ऑप्शन नंबर सी, सोशल ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड द एस्थेटिसिज्म ओरिजिनेट, ये जो एस्थेटिसिज्म था वो कहां पे ओरिजिनेट हुआ, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई, तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन,
इटली, सभी जानते हैं एस्थेटिसिज्म की शुरुआत भी फ्रांस से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट, आर्नोट प्रेजेंट्स हिज टच स्टोन मेथड इन, हाँ आर्नोट जो है ये मैथ्यू आर्नोट की बात की गई है, ये अपने टच स्टोन मेथड को प्रेजेंट करते हैं किसमें, द स्टडी ऑफ पोएट्री में। ठीक है, अब जब आप मैथ्यू आर्नोट के बारे में लिखेंगे तो इस बात को जरूर से जरूर मेंशन करेंगे कि आर्नोट ने अपने टच स्टोन मेथड में द स्टडी ऑफ पोएट्री, सॉरी जो टच स्टोन मेथड को यूज किया है द स्टडी ऑफ पोएट्री में। तो इसी तरह से आपको इस लाइन में दो चीजें समझ में आती हैं कि एक मेथड था टच स्टोन मेथड विच वॉज यूज बाय मैथ्यू आर्नोट, ठीक है, और एक पोएम थी आपकी द स्टडी ऑफ पोएट्री, सॉरी पोएम तो नहीं कह सकते, एक लेख था द स्टडी ऑफ पोएट्री, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, मैथ्यू आर्नोट के द्वारा। अब पढ़ते हैं ब्लूम्सबर्ग, ब्लूम्सबर्ग ग्रुप्स ऑफ राइटर्स, एक ग्रुप ऑफ राइटर्स था जिनको ब्लूम्सबर्ग बोलते थे, वर इनोवेटर्स इन आर्ट एंड रिप्रेजेंटेड अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ, ये जो ब्लूम्सबर्ग एक ग्रुप था राइटर्स का था, बहुत ही विद्वान थे ये सब, बहुत इनोवेटर्स थे, कुछ नया नया इनोवेट करना चाहते थे आर्ट में, तो इन्होंने एक सोसाइटी थी उसमें ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सेक्शन के रूप में पहचाने जाते थे, वो थी अवांटगार्ड, अवांटगार्ड। हु इज द रियल ओरिजिनेटर ऑफ अ मोड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग नोन एज डीकंस्ट्रक्शन, ये वही डीकंस्ट्रक्शन है जिससे टीएस एल इलियट जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जो रियल ओरिजिनेटर है वो कौन है, वो है ये आपकी जैकस डेरिडा, टीएस इलियट का नाम तो बाद में आया है, इसीलिए यहाँ पे रियल ओरिजिनेटर, जब हम आपसे रियल ओरिजिनेटर पूछा जाएगा किसका, डीकंस्ट्रक्शन का, देन आंसर, देन योर आंसर विल बी जैकस डेरिडा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद टीएस इलियट, इनमें कौन सा है जो टीएस इलियट से जो है एसोसिएट नहीं करता है, से नहीं जुड़ा है, तो पहला है इम्पर्सनैलिटी, अभी हमने पढ़ा पीछे क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया भी था, देखो डीकंस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डीकंस्ट्रक्शन, और पूछा गया था इसके ओरिजिनेटर टीएस इलियट थे, बट यहाँ पे टीएस इलियट जो इलियट है वो रियल ओरिजिनेटर नहीं थे, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो जैकस डेरिडा ने की थी, तो कुल मिला के इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डीकंस्ट्रक्शन आएगा तो टीएस इलियट हमें जानना है, तो आपका डी, ये आपका एक तो डीपर्सनलाइजेशन, ये इसी से रिलेटेड हो गया, इम्पर्सनैलिटी ये आपने पढ़ लिया, और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बाय टी एस इलियट, देन यूफोनी इज द टर्म विच इज नॉट एसोसिएटेड विद टी एस इलियट। ऑप्शन नंबर फोर यूफोनी, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, टी एस इलियट में कौन सी तीन चीजें हैं, इम्पर्सनैलिटी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है और डीपर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फॉलोइंग क्रिटिकल अटरेंस, ये किसने लिखा था, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन अ न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड इन समथिंग, क्या होता है जब एक नई जो वर्क ऑफ आर्ट है वो क्रिएट की जाती है, इन समथिंग दैट हैपेंस सिमुलटेनसली टू ऑल द वर्क्स ऑफ आर्ट विच प्रेसेडेड इट बाय टी एस इलियट, ये भी टी एस इलियट ने लिखा था। Who is known as the father of Deism and a forerunner of the Enlightenment? Father of Deism कौन है और इन्हीं को forerunner of Enlightenment भी कहा जाता है, Edward Herbert. Option number C. इनको पूरा लर्न करना पड़ेगा क्योंकि Herbert करके और भी पढ़ सकते, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ था जॉर्ज हर्बर्ट, तो ये आंसर सही नहीं है, Edward Herbert is the right answer here. This critic was an important member of the Rhymers. अब ये critics हैं, इनमें से ये जो critic है particular, he was an important member of the Rhymers Club. Rhymers Club एक बना हुआ था, Rhymers Club के important ये member हुआ करते थे, where he became a close associate of W.B. Yeats. और जहां पर रहते रहते ये W.B. Yeats के बहुत ही
नजदीकी मित्र बन गए, बहुत ही क्लोज एसोसिएट बन गए थे किसके, डब्ल्यू बी येट्स के। ठीक है, विच क्रिटिक इज बीइंग रेफर टू हियर, किसकी बात की जा रही है कि वो राइमर्स क्लब के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करते थे और बाद में डब्ल्यू बी येट्स यहीं पर रहते हुए ये डब्ल्यू बी येट्स के बहुत क्लोज एसोसिएट भी बन गए थे। लियोनेल जॉनसन इज द राइट आंसर हियर। अब आप ऐसे लिख लेंगे क्वेश्चन कि मेंबर ऑफ द राइमर्स क्लब, तो भी इनका नाम आ जाएगा, एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ डब्ल्यू बी येट्स, तब भी इनका ही नाम आ जाएगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 100। इन विच ऑफ हिज थ्योरीज, देखिए कितनी सारी थ्योरी दी हुई है, पूछा गया इन विच ऑफ हिज थ्योरीज डिड डॉक्टर जॉनसन बिलीव दैट, कौन सी थ्योरी में डॉक्टर जॉनसन ने बिलीव किया था कि ऑल आर्ट वॉज एन इमिटेशन ऑफ नेचर, जितनी भी कला है जितनी भी आर्ट है वो सब प्रकृति का अनुकरण है और कुछ नहीं है। तो ये कौन सी थ्योरी थी भाई, ये थी मिमेटिक थ्योरी, द मिमेटिक थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। तो यहाँ पे आपके ये पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसके पहले बेटा मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड किया था बहुत से बच्चों को, अगर आपके पास वो पीडीएफ है तो आपने उसको सॉल्व किया होगा। आप उसको सॉल्व करने के बाद इस वीडियो को ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चंस का एलिबरेशन मैंने यहाँ पे आपको भेजा है। आई होप कि आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं उनका भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और पीडीएफ के क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व करेंगे जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे। इसके बाद मैं आपको जो अगली क्लास दूंगी वो इन क्वेश्चंस के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनके एलिबरेशन के साथ होगी। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।